इसको पता है बिजली फ्री किसने कराया, पानी किसने फ्री कराया? केजरीवाल ने कराया। क्या बात है, पता ले इनको पिट्टू लगाना और घूमना रोडों में चलना किसका बारे पता है उसको? ये बाथरूम ये शौचालय जो बना है किसकी वजह से बना है? केजरीवाल की वजह से बना है। केजरीवाल की वजह से है। क्या बात बोल रहे हैं आप यार, ये संविधान नहीं, कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के मूड जानने के लिए आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए उसमें पक्ष भी खुश है, विपक्ष भी खुश है, जनता भी खुश है। लेकिन दिल्ली की जनता क्या कुछ खुश होने वाले है, जबकि इनकी जो मुख्यमंत्री है इस वक्त जेल के अंदर है, ईडी सीबीआई इंक्वायरी चल रहे है। उसके बावजूद भी कि दिल्ली के चुनाव में फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल बाजी मारने वाले हैं, इस बार चुनाव के नतीजे और कुछ होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस भी इस बार पूरी तरीके से जोर लगाने वाले हैं। तो हम जनता से जान लेते हैं जमीनी हकीकत क्या है, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है। दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है, वो धरातल पर बोलता है, इन एयर नहीं बोलता, हवा में नहीं बोलता। बीजेपी वालों का काम, नरेंद्र मोदी जी का काम जो है वो इन एयर बोलता है, हवा नहीं है। देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी का काम धरातल पर बोलता है, जमीन पर बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का काम इन हवा में बोलते हैं, हवा में बोलते हैं उनके काम। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जनता के लिए, जनहित में, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, उन मॉडलों के ऊपर और उन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर काम किया। काम हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री जेल के अंदर, स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर, कह रहे स्वास्थ्य में भी घोटाला, शिक्षा में भी शराब के घोटाला लगे हुए, आरोप लगे हुए इनके ऊपर, कैसे इस बार दिल्ली वालों के मूड? देखिए घोटाले तो ये पता है अभी तक साबित नहीं कर पाए, वो जो सेंटर के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर कठपुतली बनकर जो सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जितनी भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रिमंडल को परेशान करने का काम कर रही है। ये दिल्ली की जनता ने क्या पूरा देश देख रहा है? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, ये बदनाम करने की स्ट्रेटजी रचते हैं। ये बीजेपी के लोग ऐसे षड्यंत्रवादी हैं, वो चाहते हैं कि पहले ये एमसीडी में बदनाम करते थे, एमसीडी में तीन बार से सत्ताधारी पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी। एमसीडी में जब केजरीवाल जीत के आया तब कौन सा काम हो रहा है? पूरी तरह से चारों तरफ तो कूड़ा कूड़ा हो रहा है। देखिए कूड़ा आप यहाँ बता दीजिए, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ सफाई नजर नहीं आ रही आपको? ये भी तो दिल्ली एरिया में आता है, आप दिल्ली की सर जमीन पर खड़े हैं। ये जो यही जगह थोड़ा सा सफाई है, आप बाहर चले जाइए तो पूरा गंदा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, आपके पास कोई पास आनंद विहार, आपके पास कोई उसका प्रूफ है, कोई वीडियोस है आपके पास? आप वीडियो दिखाइए, कहाँ गंदगी? अरे मैडम सारा कुछ क्लियर है, क्लीन है सारा कुछ। आनंद विहारी थोड़ी है, पूरी दिल्ली घूमो, दिल्ली है जब से केजरीवाल आए। मेरे घर के, मेरी गली में बता रहा हूँ मैं, दो दो तीन तीन हफ्ते, चार चार हफ्ते कूड़ा नहीं उठता था, लेकिन आज की डेट में दिन में भी गाड़ी आ रही है, रात में भी आ रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम तो उसे देख लेंगे जो दिल्ली की जनता के दिलों पे छा जाएगा। तो कौन है दिल्ली? अभी तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री है तो जेल के अंदर है, आने वाले चुनाव में। देखिए अगर बदलाव की बात करते हैं तो सभी सरकारें चोर रही हैं, पिछले जिनके भी कार्यकाल रहे हैं, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करा है मैं उनका क्रेडिट देता हूँ। भले ही भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जिस तरह साजिश द्वारा साबित नहीं हुए एक लादा गया है, तो इससे साबित होता है कि देश के अंदर जो लोकतंत्र को लगातार खतरे की घंटी कहा जा रहा था वो साबित हो गया आज। देखिए मैडम, आप जो बोल रहे हैं आरोप लगे, आरोप तो लगते रहते हैं, ये पता है सिद्ध कहाँ हुआ? आरोप लगा दिया, आरोप होने के बाद वो सिद्ध हुआ क्या ग्राउंड पर? आप देखिए 40 दिन से ऊपर टाइम हो गया ईडी को, अभी तक ईडी को कोई चीज़ बरामद नहीं हुई अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कठपुतली बनकर ईडी नाच रही है और सीबीआई तरह तरह की जांच एजेंसियां नाच रही हैं। ये देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तो देश जेल से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे? देखिए अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है, ये जेल से चुनाव लड़ेंगे या जमीन पर लड़ेंगे, यहाँ बाहर आके लड़ेंगे। लोकसभा में बाहर आए थे लेकिन जीत सीट नहीं निकाली। देखिए आपने मार्जिन देखा, जो चांदनी चौक लोकसभा की सीट पहले भारतीय जनता पार्टी ने हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में पहले कितने मार्जिन से जीती थी? 3.5 लाख के मार्जिन से, 2.5 लाख के मार्जिन से, इसके अप्रोक्सीमेटली। आज वो मार्जिन घट के कितना हो गया?
83,000 के अबव हो गया, 89,000। आज देखिए क्या कहेंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल जी की जीत है, कोई चांस नहीं, चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। क्यों इस बार क्यों नहीं, इतने सारे वादे किए, एक भी कोई वादा बता दो जिन्होंने पूरा किया हो। सबसे पहली बात, एक मिनट सुनिए, सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा था, मैं संजय सिंह का एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वो बोल रहे थे कि परिवारवादी पार्टी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी परिवारवादी पार्टी है, बीजेपी को उसमें इंक्लूड किया उन्होंने। आज बीजेपी को छोड़कर जितनी परिवारवादी पार्टियां इन्होंने, मैंने परिवारवाद, बीजेपी को छोड़कर जितनी और सारी परिवारवादी पार्टियां थी उनके साथ गठबंधन में है, ये कह रहे थे परिवारवादी। देश के अंदर संविधान को बचाने की बात थी, अरविंद केजरीवाल जी का साथ अगर संविधान को बचाने के लिए कोई भी पार्टी देगी, अरविंद केजरीवाल जी उसका सम्मान करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं जीतेंगे ये बताइए, अरे उन्होंने अपना कौन सा वादा निभाया दिल्ली वाले, स्वास्थ्य अच्छा नहीं किया, दिल्ली में देखो पानी कैसे आ रहे हैं, कुछ भी अच्छा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट साफ सुथरा है, किसकी वजह से है, केजरीवाल की वजह से है, क्या बात बोल रहे हैं आप यार, ये संविधान क्या बोल रहे हैं, आगे आगे आगे, नहीं कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये तो क्या काम नहीं हुआ, कोई से वादा पूरा नहीं किया, इसको पता है बिजली फ्री किसने कराया, पानी किसने फ्री कराया, केजरीवाल ने कराया, क्या बात है, पता ले इनको, पिट्टू लगाना और घूमना, रोडों में चलना, किसका बारे पता है इसको, ये बाथरूम ये शौचालय जो बना है किसकी वजह से बना है, केजरीवाल की वजह से बना है, ऐसा भाषण में करता नहीं मैडम, ये दिल्ली की धरातल की जनता है, आपने देखा आप डिबेट कर रहे थे मेरे और इनके बीच, दिल्ली की जनता आके बोल गई कि ये केजरीवाल ने किया है, ये जो है ना ये देश के अंदर बदनाम करने वाले लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की मिनिस्ट्री अच्छी चल रही थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मनीष सिसोदिया जी को उनकी